आज बदल सकता है दिल्ली एनसीआर का मौसम और भारत के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने भारत के मौसम को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और देश के कई राज्यों में लगातार बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है, तो कुछ राज्यों में लोग गर्मी से परेशान हैं और लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों में कैसा रहने वाला है आपके शहर का मौसम, सारी जानकारी बताएंगे आज हम आपको अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक जरूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से जहां लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं कई मैदानी इलाकों में लोग अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। और मानसून के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है और बताया दक्षिण भारत में मानसून से मौसम सुहाना हो चुका है, वहीं दिल्ली एनसीआर के लोग उमस और गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि यहां पर रुक रुक कर बारिश होती है, लेकिन बारिश के बाद में मौसम में उमस के कारण गर्मी बढ़ जाती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र, कोंकण और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसका कारण इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं कच्छ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और सौराष्ट्र में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मानसूनी सीजन में पहाड़ी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वहीं आईएमडी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है और मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं मंडल, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और अल्मोड़ा के लिए भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड के कई जिलों में गरज चमक के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है। फिलहाल दोस्तों, आगे जैसा भी रहेगा मौसम का हाल, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आगे भी मौसम से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो फिर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर एक जरूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।